welcome back to my channel. I really hope that you all are doing great. Now for today's video, I'm gonna share my review for the NYX Bare With Me Blur Foundation. Now I'm in the shade 05 Vanilla in it. ये foundation आपको easily Nykaa पे मिल जाएगी. I guess Myntra पे भी है शायद. But हाँ, ये shade Nykaa पे available नहीं है. I got this through an Instagram store और मैं उस दोनों को Nykaa के लिंक्स को भी और Instagram के लिंक को भी टैग कर दूंगी अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फॉर यू टू चेक आउट. नाउ आप बेस तो देख ही रहे हो कि कितना सुंदर लग रहा है. थोड़ी सी ड्यूई फिनिश भी है, बहुत ज़्यादा ग्लोइंग भी है, बट आप इसको एक्शन में ज़रूर देखोगे मेरी आगे की वीडियो में. सो लेट्स जस्ट स्टार्ट विथ दिस. नाउ मैंने अपनी स्किन को अच्छे से प्रेप कर लिया है. मैंने कोई कंसीलर अभी अप्लाई नहीं किया है, यू कैन सी, क्योंकि मेरे ना थोड़े बहुत ब्लेमिशेस हैं. तो मेरे को ना देखना है कि इसका कवरेज कितना अच्छा है, कि ये ब्लेमिशेस को कवर करने में हेल्प करता है या नहीं. तो मैं इसको एकदम बिना कंसीलर के अभी अप्लाई करने वाली हूँ. अगर नीड पड़ी तो बाद में कंसीलर लगा लेंगे. सो लेट्स जस्ट स्टार्ट विद द एप्लीकेशन. मैंने थोड़ा सा ये लिया है अभी. And let's just start. Okay. कवरेज तो बहुत अच्छा लग रहा है. कैन सी, और इसने ब्लेमिशेस को भी थोड़ा बहुत कवर कर दिया है. आई फील कि मैं एक और लेयर लगाऊंगी तो वो अच्छे से कवर हो जाएगा. जस्ट ना बफ करके देखती हूँ थोड़ा. See the difference. इसमें ना थोड़ी सी ड्यूई फिनिश भी है एंड मुझे ना कैमरे पे उतने अच्छे से नहीं आ रही है, बट हाँ इसमें थोड़ी सी ड्यूई फिनिश भी है. और मैं सेकेंड लेयर के साथ जाने वाली हूँ, बट बहुत थोड़ा सा लिया है जस्ट टू कवर दोज ब्लेमिशेस. एंड आई थिंक इसके साथ ब्लेमिश को कवर करने के लिए ना मुझे ज़्यादा कंसीलर लगाने की नीड नहीं पड़ेगी. एंड पर्सनली मुझे ना यार गर्मियों में ना ज़्यादा लेयरिंग नहीं होती मेरे से, तो आई फील दिस इज वेरी नाइस. तो इसकी फिनिश बहुत अच्छी लग रही है एंड दिस लुक्स वेरी नेचुरल टू. मतलब ज़्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा एंड कुछ भी ज़्यादा लाइक ना गॉडी गॉडी नहीं लग रहा, बहुत नेचुरल फिनिश आ रही है इसकी. सो अ क्विक हैक, अगर हम एक फ्लैट ब्रश से पहले फाउंडेशन लगा लेते हैं ना तो कवरेज वैसे ही बहुत बढ़िया आता है एंड ज़्यादा ना टाइम नहीं लगता ब्लेंड करने में भी, बहुत इजीली सब हो जाता है. तो आई यूज टू ब्रशेस, एक फ्लैट और एक बफर ब्रश. एंड आई थिंक ऑलमोस्ट डन. सो गाइस दिस इज द बेस. अब मैं क्विकली ऑफ कैमरा अपना मेकअप पूरा कंप्लीट करके आती हूँ, फिर आपको मिलती हूँ. सो गाइस दिस इज द फाइनल लुक.
दिस फाउंडेशन इज एक्सट्रीमली लाइट वेट, कवरेज भी बहुत अच्छा है, यू कैन ईजिली बिल्ड दी कवरेज. अगर आप चाहो तो आप इसको विदाउट कंसीलर भी अप्लाई कर सकते हो. मैंने बिल्कुल भी कंसीलर नहीं अप्लाई किया, मैंने थोड़ा सा फाउंडेशन लेके ही उसको एक कंसीलर ब्रश से अपने अंडर आइज के अंदर लगा लिया था ताकि मेरे अंडर आइज भी थोड़े से सेट हो जाएं. एंड दिस इज द लुक. दिस फाउंडेशन ना, दिस इज, ट्रस्ट मी, दिस इज परफेक्ट फॉर दी समर सीजन. बहुत ज़्यादा लाइट वेट है एंड ना लाइक बेस करने के बाद ना मैंने थोड़े बहुत घर के काम भी किए एंड ट्रस्ट में मेरा बेस बिल्कुल नहीं हिला. इट लुक्स एज फ्रेश जैसा पहले लग रहा था जब मैंने किया था जस्ट अपना मेकअप फिनिश. एंड मेरी तरफ से ना इस फाउंडेशन को बिग थम्स अप है. एंड गाइज, दैट्स ऑल फॉर टुडे. आई रियली होप कि आपको ये छोटा सा वीडियो पसंद आया हो देखने में. डू लेट मी नो कि आप कौन सा प्रोडक्ट चाहते हो कि मैं आपके लिए ट्राई करूँ और उसको रिव्यू करूँ. एंड टिल देन स्टे सेफ. आई वुड मीट यू नेक्स्ट टाइम राइट हियर विद अनदर वीडियो. बाय.